नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार सरकार के अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या 4/2020 में बिहार वनपाल फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक के न्यूज़ के अनुसार सुनने में आ रहा है कि किसी किसी स्थानों पर क्वेश्चन लीक होने की अफवाह की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही इसका कोई पुष्टि होता है मैं आपको इसका वीडियो बनाकर बता दूंगा। और इस तरह के अफवाहों पर अभी ध्यान न दें। आपका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में ये लिख करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी तक के खबर के अनुसार किसी किसी सेंटर पे एग्ज़ाम सेंटर पे हंगामा भी छात्रों ने किया है, लेकिन इसका कारण समझ में नहीं आया है। अभी तक यही पता चल रहा है कि मोबाइल कुछ फ़ोन लोग अंदर ले गए थे, उसी के आक्रोश में लड़कों ने हंगामा किया था। अब वाकई में ये तो भाई गलत बात है, अंदर में लोग इतना मेहनत से एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन सीएसबीसी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल को इसके तरफ भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और अगर वाकई में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो क्वेश्चन वगैरह लीक होने की खबर आ रही है, तो एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। आप लोगों को भी इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का परिणाम आएगा तो कोई नहीं एग्ज़ाम दोबारा देना चाहेगा। और वैसे ही बिहार सरकार का नाम ख़राब है इतना ज़्यादा। प्रकार के खबरों से आपको अपडेट किया जाता रहेगा। आगे और तैयारी करने के लिए बिहार सरकार नामक इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।